मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो देखो भाई, मैं तो ना आया हूँ नहीं, क्योंकि मैं सुबह कल ही हाँ वहाँ घर वो कॉलेज से ही आ गया था, तो कपड़े वपड़े अब जाओगे घर और नहाएंगे। अब देखो राखी बंध रही है, श्रुति को कितने पैसे दिए तूने आज? ये तो स्नीकर्स है, ये तो यहीं पे मिल जाती है, झूठ तो मत बोलो यार। अरे ब्रदर गैलेक्सी, ये जो है क्या नाम है इसका, मतलब स्निकर्स, ये एक चॉकलेट बार मिलती है, बाकी सब यहीं मिल जाएगी। हाँ नहीं, घर चले जाऊंगा ना, नहा लूंगा फिर जाके। अंश लंबा तो यार, गाइस देखो गाड़ी में गया देखने, मैंने क्या कपड़े तो होने चाहिए, तो एक एक पेयर मिल गया। जीन्स तो थी दो, पर शर्ट एक बुरे से ही हैं, तो कैजुअल थे, नेक्स्ट लेवल थे, तो ये पहन ली कोई ना। पर गाइस देखो, राखी तो फोटो वोट तेरी ऐसी कम से फोटो खींच रहे हैं, रुको और अच्छे से बताएंगे। हाँ जी बताओ, अब कैसे ऐसे करी फिर? ऐसे करी नहीं, दोबारा बताओ ना, जैसा भी आपने बताई थी कैसे कैसे करनी है। बैठ दो। हाँ एक साथ तो यहाँ ले लिया। हाँ एक से यहाँ ले लिया। फिर मैं ऐसा करके, फिर पहले ऐसा करो। हाँ अच्छा, फिर ये टांग यूं कर लो पीछे, फिर एक तौलिया रख लो इसे, फिर सही बिल्कुल कैसे तुम करे करे घर पर हमारे। मैंने वही कर रखा। हाँ जी, तो अब बताओ आप कहाँ लेके चल रहे हो यार? तुम बताओ यार, कोई तुम बताओ ना भाई, मेरे को लेके तुम आए हो यार, बता जल्दी। सोच रहे तो दो यार, सोच रहे को टाइम तो दे दो यार। तू घर क्या के का है, कहाँ जाना है अभी ये बता दे बस यार। कहाँ जाना है यार, कोई ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ मजा भी आवे। मजा आवे गोदावरी? गोदावरी में तो सीक्रेट फूके हैं। सीक्रेट फूके हैं वही तो। तू भी फूक लियो सीक्रेट यार। मैं यार, हमें थोड़े बढ़िया परिवार के। किसने कही यार? ऐसे परिवारों से नहीं है जो सीक्रेट फूक जाए। अच्छा जी, और चल तो कोई ना सीक्रेट। अब तुम बताओ यार कहाँ चलना है। वहीं चल, लेके चल सकता हूँ मैं तो तुझे। गोदावरी हाँ चलो ठीक है। शॉप से डाइट को तू पिएगा? हाँ पी लूँ। चल तो चल तेरा। अब बताओ कॉफी पीने आए थे आप यहाँ? यार कॉफी पीने तो ना आया था, मैं आया था यार घूमने, क्योंकि मैं हो रहा था भाई घर में बोर, चार दीवारों के बीच में भाई सही में बोर हो जाते हैं। वैसे मार्केट है तो अच्छी है ना, बढ़िया है। बस यहाँ पे थोड़ी छुट्टेबाजी वाले लोग हैं। ये यार कितनी बार बताओगे आप, पहले कई व्लॉग्स में लोग देख चुके इस मार्केट को। यहाँ पे 99% लोग मिलेंगे जो एकदम, मतलब पर यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सारे कैफेज हैं, है ना? हाँ ये बात अच्छी है, यहाँ एक ही बार में सारे कैफे। पर यहाँ पे मेरे को लगा है सबसे ज्यादा फेमस टी शॉप है। हाँ टी शॉप ज्यादा है भाई, देख सबसे ज्यादा ये BCC भी अच्छा। हाँ जिस पर हमने लास्ट टाइम मैक्रोनी। चलो अब हम अपने घर और जाएंगे भैया। चलो थोड़ा बहुत और ना भाई, अब ना घूम रहे, चलो फिर चलो। तेल महंगा हो रहा है। सही अब अपने घर जाए यार, हम बहुत ही देर और क्या ज्यादा पैसा आ रहा हूँ। देख लो कितने बढ़िया बढ़िया कैफे बन रहे हैं। यू नया होटल रेस्टोरेंट है, देखो ये रहा, ये नया होटल खुले हैं। बढ़िया तो है, अंदर चलो। क्या चलो अंदर देखो, हम वापस जा रहे हैं। क्या कह रहा है? अरे भाई साहब क्या कह रहा है? फोन में लगा हूँ। चल तो चल, अरे ना भाई, अरे ना भाई, चलेगा तू मेरी। चल ये मैं उठा रहा हूँ। चल चल चल,
चल चल ब्लॉगिंग से बता क्यों को अभी मैं छोड़ के आया हूँ बच्चों को, हमारी बुआ आई हुई थी तो उनके बच्चों की कल क्लासेस है, मतलब भाई बहनों की उनकी क्लासेस थी तो उनको वापस छोड़ के आए अभी घर ग्रेटर नोएडा वापस। अब हम चलते हैं अपने घर पर। यार एक तो इस बार ना रक्षाबंधन ऐसा समझो बवाल चीज हो गई कि आज मन रही है इतने बजे से इतने बजे तक का स्लॉट है इतने में राखी बन सकती है, फिर उसके बाद 9 बजे से इतने बजे तक का स्लॉट है इसमें राखी बन सकते हैं, फिर के कल 7:15 बजे से स्लॉट, मतलब ऐसे समझो जैसे खेल चल रहा हो। रक्षाबंधन का त्योहार जो है ना इस बार तो बड़ी खिचड़ी सी पक गई, पता नहीं क्या ही हुआ है भाई, पर मतलब अजीब ही सा बनाया हम तो कहीं बताएं, वो एक्साइटमेंट नहीं थी लोगों में जो और बार होती और मतलब तरीके से, वो एक्साइटमेंट कम थी इस बार। बाकी बच्चे छोड़ आया अभी, अब आपको पता है आज का दिन तो भाई चटोरिया डे, इतना ना खाया बाहर का बट अब आए हुए सब कर ये लियाओ भाई। और हाँ मैं मतलब ये ना व्लॉग के उससे मीडियम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ सभी, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, बुआ हुई किसी की बहन, मतलब कोई भी भाई बहन, यार देखो लोग जो है ना फेस्टिवल्स पे मिठाई के डिब्बे लाते हैं। अब जैसे दिवाली पे आप लोग नोटिस करोगे हर किसी के घर में मिठाई का डिब्बा, मतलब फ्रिज भर जाता है। और ऐसे ही जैसे रक्षाबंधन हुआ और फेस्टिवल्स हुए होली दिवाली ये सब, तो इन पे मिठाइयां ज्यादा आती हैं। अब क्या है देखो मिठाई, अब जितने बंदे मिठाई, अब ऐसा तो है नहीं, अब मान लो किसी की 2 बुआ है तो 2 किलो मिठाई आ गई, या 2 बहन है तो 2 किलो मिठाई आ गई। अब भाई ये सोचो ना कि वो इतनी इतनी सी लियाओ के हाँ भाई चकले, अब एक तो कौन ही मीठा खाता है इतना, थोड़ा थोड़ा सा वैसे मुंह झूठा करने के लिए खाते हैं और उसमें इतना मीठा ले आते हैं, फिर यार वो वेस्ट होता है। देखो अब वो किसी भी मतलब या तो फेंक हो खराब हो जाता है तो उसको फेंकना पड़ता है, तो ये चीज़ बड़ी गलत है, वेस्ट ऑफ मनी है भाई। देखो लाना है, अब वैसे तो लाओ ही मत मिठाई विठाई ये सब चीज़, अपना मतलब जैसे भी सेटल कर लो कुछ भी, पर अगर जो किसी को ज़्यादा ही चुल्ले कि भाई मुझे तो लाना ही है मैं खाली हाथ नहीं जा सकती, तो भाई फ्रूट्स लाओ, कुछ ऐसी चीज़ लाओ जो मतलब ख़राब ना ही हो जल्दी से, और लोग मतलब 2-4 दिन बाद भी खा ले तो कोई दिक्कत ना है, भले ही केला लिया हो क्या ही दिक्कत है यार। पर वो है ना पता नहीं क्या ये मिठाई अब देखना घर में सबके में खराब होती है, कोई अच्छी चीज थोड़ी है भाई। बस हमारी तो ये सजेशन है, बाकी देखो समझदार सब दुनिया है और हमसे ज्यादा बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, करेंगे लोग वही जो उनका मन करेगा, बाकी हमारा काम था बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू POV शेयर करना, हमने जो था कर दिया। बाकी भैया अभी घर चल रहे, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। आप लोगों ने आज की वीडियो देखी होगी, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय गाइस।